अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं एफके टेक्निकल एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन की कॉपी किस तरह लेनी है और इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीन शॉट किस तरह लेना है। इसकी वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका फ़र्क क्या होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमारे पास कंप्यूटर का डेस्कटॉप नजर आ रहा है। अगर तो हमने इसका डेस्कटॉप जो है वो कॉपी करके कंप्यूटर पेस्ट करना है तो हमारे पास ये कीबोर्ड पर एक ऑप्शन होता है, F12 की के साथ है प्रिंट स्क्रीन का बटन। इसको दबाएंगे तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके वर्ड को या प्रिंट को वहां जाके पेस्ट करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो कॉपी पेस्ट होगी। और अगर हम चाहते हैं इसका स्क्रीन शॉट लें तो हम विंडो की और प्रिंट स्क्रीन को इकट्ठा दबाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा स्क्रीन शॉट आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो है वो कीबोर्ड ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी और स्क्रीन शॉट लेके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है प्रिंट स्क्रीन का, जैसे आपको नजर आ रहा है प्रिंट स्क्रीन। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारे सामने जो स्क्रीन है इसका कॉपी हो जाएगी। हम इसको जाके वर्ड के अंदर पेस्ट करके देखते हैं क्या ये पेस्ट होता है या नहीं। राइट क्लिक करेंगे, ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये जो है डेस्कटॉप जिसको हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। अच्छा तो हम देखते हैं अगर हमने इसका स्क्रीनशॉट किस तरह लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास ये जो विंडो की होती है इसको हमने प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम जो माउस है इसको प्रेस करके रखेंगे, अब ले जाते हैं प्रिंट स्क्रीन वाले बटन के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हुआ, ये डेस्कटॉप वो स्क्रीनशॉट सेव हो चुका। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या स्क्रीनशॉट हमारा सेव हुआ या नहीं। कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम पिक्चर्स पे आ जाएंगे तो ये हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। लेकिन अगर हम अपने कीबोर्ड से एक्सटर्नल कीबोर्ड से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है, विंडो की प्रेस करेंगे और इसके साथ प्रिंट स्क्रीन दोनों इकट्ठा दबाएंगे तो हमारा इसका डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कॉपी करने का भी वही सेम तरीका है, हम अपने एक्सटर्नल कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबाएंगे और पेंट ओपन करके या वर्ड ओपन करके उसमें जाके हम कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पैनल आइकन को दबाएं और वीडियो भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।